हेलो एवरीवन आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी वो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सबसे पहले इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स किस चीज़ को कहते हैं बेसिकली इकोनॉमिक्स वो होती है वो स्टडी होती है जो ये बताती है कि सोसाइटी को किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्स यूज़ करने चाहिए या फिर इन ईजी टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि ये वो स्टडी है जो डील करती है प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन को एंड कंजम्पशन को ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज ये ये बताती है कि किस तरह से इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स या फिर एक पूरा होल नेशन ऐसी चॉइस बनाए कि जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और ज़्यादा चार्जेस भी नहीं आए ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी ना हो उस चीज़ पर ऑप्टिमली यूटिलाइज कर लिए जाएँ इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज होती हैं एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो मतलब ये होता है कि हम एग्रीगेट इकॉनमी को देखते हैं माइक्रो ये होता है कि हम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स या बिज़नेसेस को स्टडी करते हैं अभी इस चीज़ पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं कि मैक्रो और माइक्रो में डिफ्रेंसीेशन क्या है अभी बस एक बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे डेवलपमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो काफ़ी दफा यूज़ होता है इकनॉमिक्स में तो मतलब मीनिंग क्या होता है डेवलपमेंट का डेवलपमेंट का मीनिंग जो है हम तीन तरह से देख सकते हैं एक जो ये बताए कि पर कैपिटा इनकम या ग्रोथ इकोनॉमी में कितनी हो रही है ये पर कैपिटा इनकम जो कॉन्सेप्ट है ये अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका मीनिंग क्या है दूसरा एस्पेक्ट ये है कि दूसरा एस्पेक्ट जो होता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखता है डेवलपमेंट के नॉट जस्ट क्वालिटेटिव के पर कैपिटल कितनी है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव के तरीके से कैलकुलेट करता है तीसरा ये होता है कि नेशनल इनकम कैसी है या जीडीपी कैसी है ये दोनों टर्म्स अभी बाद में आएंगे जो अप करे जाएंगे ये जो टर्म्स अभी तीन जो पॉइंट्स अभी ऊपर डिस्कस हुए हैं ये बेसिकली क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं बट क्वालिटेटिव टर्म्स मिस हो जाते हैं डेवलपमेंट को चेक करने में जो क्वालिटेटिव टर्म्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इकोनमी के डेवलपमेंट को देखने के लिए वो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं कि कितना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है डेवलप कर रहा है या नहीं जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं लिटरेसी रेट को इन्फेंट मोटे मोटेलिटी रेट को लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लिटरेसी रेट बर्थ एंड डेथ काउंट्स बेसिकली अभी ये सारे जो टॉपिक्स मैंने अभी नाम लिए या बताए ये सब एक एक करके अब हम कवर अप करेंगे कि इनके मीनिंग क्या है सबसे पहले आता है नेशनल इनकम नेशनल इनकम जो होती है बेसिकली पूरी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है जो प्रोड्यूस करती है एक कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर मींस थर्टी फर्स्ट मार्च को जो एंड होता है और जो फर्स्ट अप्रैल को स्टार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल ईयर फॉर अ कंट्री उसमें भी देर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स एक होते हैं फाइनल गुड्स और एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स फ़ाइनल गुड्स वो होते हैं विच आर रेडी टू यूज़ बाय द कंज्यूमर जैसे फॉर एग्जांपल पेन या फिर फ़ोन लैपटॉप ब्रेड ये सब फाइनल गुड्स हैं जो डायरेक्टली अब कंज्यूमर जाके परचेज कर सकता कर सकता है इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी रेडी नहीं है यूज़ के लिए फॉर द कंज़्यूमर बट अभी उनको मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल वीट ब्रेड बनाने के लिए पहले वीट को एज अ रॉ मटीरियल है तो उससे ब्रेड बनेगी सो दैट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड नेशनल इनकम बेसिकली इंडिकेट करता है कि कंट्री कहाँ और कैसे प्रोग्रेस कर रही है या प्रोग्रेस हो भी रही है या नहीं हो रही है तो नेशनल इनकम की जो सोर्सेज होती हैं वो क्या होती हैं बेसिकली सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं हमारे यहाँ तीन टाइप के सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर जो बेसिकली इंक्लूड uh, करता है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर को एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे एनिमल हजबेंड्री फिशरीज जहाँ पे रॉ मटेरियल बनता है दैट इज़ नोन एज अ प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जो इंक्लूड करता है इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली जहाँ जो रॉ मटीरियल प्राइमरी सेक्टर से आया वो मैन्युफैक्चर किया मतलब वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग हो और एक फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए वो होता है सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर जो होता है वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी जैसे अब सेकेंडरी सेक्टर में कुछ सामान बन गया अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है वो सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है सर्विसेज इंक्लूड कर सकती हैं बैंकिंग भी टूरिज्म भी मेडिकल भी ट्रांसपोर्टेशन जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ उन्होंने ये कहा था इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ द वेल्थ इज गेंड एंड लॉस्ड मतलब किस तरह से एक इकॉनमी की वेल्थ बन रही है और किस तरह से उस इकॉनमी की वेल्थ ख़त्म हो रही है दैट इज ऑल इकोनॉमिक्स मेथड्स जो यूज होते हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम वो थ्री टाइप्स के हैं सबसे पहला आता है इनकम मेथड जो नाम सजेस्ट कर रहा है जितनी भी इनकम आ रही है अंडर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारी की सारी एडअप करके नेशनल इनकम बनाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जैसे लैंड के थ्रू लैंड में जो आता है रेंट आता है लेबर के थ्रू लेबर में जैसे वेजेस मिलते हैं कैपिटल के थ्रू कैपिटल में इंटरेस्ट मिलता है और मैनेजमेंट मतलब बिज़नेसेस जहाँ पे प्रॉफिट्स बन गए बनता है उनके थ्रू कितनी इनकम आ रही है वो अप करके इनकम नेशनल इनकम को वो नेशनल इनकम को डिनोट करती है फिर सेकेंड मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड इनकम जो होती है वो मैं बेसिकली इनकम का मतलब है कितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और कितनी आपकी सेविंग हो रही है दैट इज़ नोन एज इनकम तो जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ सपोज़ ज़ीरो सेविंग्स थी और जितना भी बाकी एक्सपेंडिचर हुआ है विथ ज़ीरो सेविंग्स इज नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड उसमें तीन टाइप्स के एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इस तरह से जैसे एक इंडस्ट्री को एक प्रोडक्ट फाइनल फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो वो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगी उसको बनाने के लिए वो सारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जितना भी कंज्यूमर स्पेंड करेगा उस फाइनल प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड करता है टैक्सेस रोड टैक्स होता है सर्विस टैक्स होता है जीएसटी होता है ये सब इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में तो इससे ये इससे ये एक फार्मूला बनता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम सी सबको पता है कंजम्पशन आई इन्वेस्टमेंट जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अब ये एक्स माइनस एम क्या चीज़ है एक्स माइनस एम मीनस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स इसको हम नेट uh, एक्सपोर्ट्स भी कह सकते हैं नेट नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कह सकते हैं इसको तो दिस इज़ एक्स माइनस एम फिर तीसरा मेथड आता है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड इसमें जितनी भी एडेड वैल्यूज़ होती हैं एट ईच स्टेज फॉर ऑल प्रोडक्ट्स अब इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं इसको बेसिकली एक और तरह से कह सकते हैं कि कितना मार्केट प्राइस पर क्या अमाउंट क्या कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की अब मार्केट प्राइस पे जब आती है तो वो और भी चीज़ें इंक्लूड कर जाती है टैक्सीशंस भी और कंपनी जो है अपना जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो सब इंक्लूड करके एक मार्केट प्राइस बनाती है अब उस एक्सपेंडिचर में वो अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी लेती है प्रमोशंस का भी लेती है अपने टैक्सेस का भी लेती है तो जितनी टोटल फाइनल प्राइस आई वो होती है वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर अब जो नेक्स्ट टर्म जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आता है वो है जीडीपी डी विच इज़ द क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बेसिकली होता है जो फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं और कंज्यूम हो रही हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ नोन एज़ क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंस ये है नेशनल इनकम और जीडीपी में कि नेशनल इनकम जो होती है वो फॉरेन इनकम को भी लेती है आपको याद होगा मैंने एक्स माइनस एम लिखा था वहाँ पर तो वो इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में बट जीडीपी में ओनली डोमेस्टिक ट्रेड इज़ इंक्लूडेड कोई फॉरेन से मतलब नहीं है फॉरेन एक्सपेंडिचर कितना हुआ इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे डोमेस्टिक एयरलाइंस होती हैं और इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं तो जो डोमेस्टिक होंगी वो डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री ही फ्लाई करेंगी और जो इंटरनेशनल होंगी वो बाहर जाएंगी तो जब डोमेस्टिक टर्म आ जाता है तो इसका मतलब कि जो नेशनल में ही मतलब एक कंट्री के अंदर ही ऑपरेट हो फिर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अब एज द टर्म सजेस्ट ग्रॉस नेशनल मींस के उसमें एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स भी इंक्लूड होंगे तो इसका फॉर्मूला ये होता है जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था जो भी फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज थी जो प्रोड्यूस हुए एंड कंज्यूम हुए ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट एक्सपोर्ट्स फिर आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो वो होता है जिस जो इंक्लूड करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को माइनस डेप्रिसिएशन ऑन कंट्रीज कैपिटल गुड्स इसका मतलब ये जितना भी कैपिटल कंज्यूम हुआ ओवर अ ईयर चाहे वो हाउसिंग के फॉर्म में हो व्हीकल के फॉर्म में हो या फिर मशीन डेटोरिएशन के फॉर्म में हो डेप्रिसिएशन मतलब कितना मशीन डेटोरिएट कर रही है अब सपोज किसी ने मतलब किसी इंडस्ट्री ने एक मशीन लगाई अब मशीन की वैल्यू जो होती है वो डी वैल्यू होती रहती है जब ख़रीद के एक दफ़ा लग जाए और उसका यूज़ जब स्टार्ट होता है तो वो डी वैल्यू करता है जैसे आपको पता होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्स जब आप कार ख़रीदते हैं तो एक हायर वैल्यू पे ख़रीदते हैं सपोज आपने तेरह लाख की कार खरीदी एक अब जब आपने ख़रीद ली उसके बाद उसकी वैल्यू जो होती है वो डी वैल्यू होनी शुरू हो जाती है अब आप उसको वापस तेरह लाख में नहीं बेच सकते या उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते अब जितना भी अमाउंट होगा जो कम हो जाएगा दैट इज़ नोन एज डिप्रीसीशन तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रीसीशन फिर आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट अब इसमें नेट नेशनल जब आ गया तो हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को भी इंक्लूड करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये होगा जी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिसशन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो इकोनमी से रिलेटेड होते हैं इसमें कुछ और टर्म्स भी हैं जैसे फैक्टर कॉस्ट जितनी भी कॉस्ट इनकर करी एक मैन्युफैक्चरर ने उस प्रोडक्ट को बनाने में वो होती है फैक्टर कॉस्ट फिर आता है मार्केट प्राइस किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हुआ मार्केट में फॉर द कंज्यूमर इट इज़ ऑब्वियसली मोर देन फैक्टर कॉस्ट बिकॉज इसमें सब्सिडीज भी इंक्लूड हो जाती हैं पूरी वैल्यू एडिशन हो जाती है दैट इज़ वाई मार्केट प्राइस इज़ ऑलवेज मोर देन द फैक्टर कॉस्ट और प्लस प्लस कंपनी को भी तो प्रॉफिट अपना बनाना होता है दैट इज वाई सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है इंडियन इकॉनॉमी में ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन द इंडियन इकॉनॉमी देखिये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो इंडियन इकॉनमी में है वो है टर्शरी सेक्टर जो सर्विसज हमें मिल रही हैं फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर एंड लास्टली जो होता है प्राइमरी सेक्टर इस स्टेटमेंट से ये मतलब है कि कौन सा सेक्टर कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सो so, टर्शरी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ऑल दो प्राइमरी सेक्टर पे हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड करती है बट उसका इतना जीडीपी जीडीपी पे कॉन्ट्रीब्यूशन uh, नहीं है जितना टर्शरी सेक्टर के हैं सेकेंडरी सेक्टर इस वजह से बिकॉज जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो सब हो रही है सेकेंडरी सेक्टर में दैट इज़ वाई जी डी पी पर जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेकेंड नंबर पे आता है उसमें सेकेंडरी सेक्टर फिर एक गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन uh, है जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उसका नाम है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट uh, की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी फाइव इयर्स एक प्लान आता है इनकी तरफ से जिसको कहते हैं इंडियाज़ फाइव ईयर प्लान्स फर्स्ट ये इनिशिएट हुआ था इन 1938 थर्टी एट बाई द बाई द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड द इंडियन नेशनल आर्मी सुप्रीम लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिशर्स ने भी फॉर्मुलेट किया था इसको एंड उन्होंने नाम दिया था एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड अंडर के सी नियोगी ये फंक्शन किया था फ्रॉम 1944 टू 1946 दैट इज़ बिफ़ोर इंडिपेंडेंस बट जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद इसका फॉर्मल मॉडल बना एंड विच वॉज अडोप्टिड एंड अकॉर्डिंगली प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट करने लगी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम फिफ्टीन मार्च नाइनटीन और प्राइम मिनिस्टर हमारे उस टाइम में जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे वो चेयरमैन थे ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1951 में जो फोकस करा था सिर्फ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था उस वक्त इंडस्ट्रीज़ इतनी नहीं थी तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो था वो फोकस कर रहा था ओनली ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर उसके बाद उसके बाद टू सब्सिक्वेंट फाइव ईयर प्लान आए विच वार्मूलेटेड बिफोर नाइनटीन ये इसलिए हुआ था बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था एंड देर वॉज अ वॉर बिटवीन द कंट्रीज़ दैट्स वाई इन्होंने टू सब्सिक्वेंट फाइव ईयर प्लान्स फार्मूलेट कर लिए थे बिफोर 1965 फिर उसके बाद टू सक्सेसिव ईयर्स ऑफ ड्रॉथ एंड डी रहा था एंड अ जनरल राइज इन प्राइस एंड एरोजन ऑफ रिसोर्स जिन्होंने डिसरप्ट किया था प्लानिंग प्रोसेस को एंड uh, उसके बाद थ्री एनुअल प्लान आए थे बिटवीन 1966 एंड 1969 जो फोर्थ फाइव प्लान था वो स्टार्ट हुआ 1969 में एट्थ प्लान इस वजह से नहीं हो पाया बिकॉज 1990 में बहुत ही फास्ट चेंज था फास्ट चेंज था इन द पोलिटिकल सिचुएशन एट देंटर एंड नाइनटीन नाइन्टी टू नाइनटीन नाइन्टी वन एंड नाइनटीन नाइन्टी वन टू नाइनटीन नाइन्टी टू व ट्रीटेड एज द एनुअल प्लान फर्स्ट एट प्लान ने फोकस किया था ऑन द ग्रोइंग पब्लिक सेक्टर विथ मैसिव इन्वेस्टमेंट एंड बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज को नाइन्थ प्लान आया नाइनटीन नाइन्टी सेवन में जिसो जिस जिसने इतनी एम्फिस पब्लिक सेक्टर को नहीं दी थी और इनफैक्ट उन्होंने इनफैक्ट उन्होंने उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी इस पीरियड में भी इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर ग्रोथ को दी हुई थी जो हमारा लास्ट फाइव ईयर प्लान था कंट्री का वो था, तो तो फ्युर्थ फ्युर॥ फ्युर्थ 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 था द ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान विच वॉज फ्राम टू थाउजेंड ट्वेल्व टू 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 थाउजेंड सेवेंटीन इसके बाद सिंस प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया और फिर उसके बाद कोई फॉर्मल प्लान्स नहीं आए इन 2014 जो हमारे अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी उनकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था टू वाइंड डाउन द प्लानिंग कमीशन एंड फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग से तो इन शॉर्ट क्या बेसिक फंक्शंस थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के सबसे पहला फंक्शन ये था कि वो असेस करती थी मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया को और फिर वो लोग उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाते थे कि किस सेक्टर को कितना ह्यूमन रिसोर्स या बाकी रिसोर्स मिलने चाहिए या कि किस सेक्टर को कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए सेकेंड थर्ड एक प्लान बनाते थे प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्स जो मैंने पहले ऊपर ही कह दिया फिर जो थर्ड फंक्शन था वो था कि डिफ़ाइन करा जाता था स्टेजेस को ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ये हेल्प करता था इंडिकेट करने में वो फैक्टर्स जो एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ख़राब हैं और फिर ये टाइम टू टाइम रेकमेंडेशंस देते थे अबाउट विच सेक्टर टू फोकस ऑन विच रिसोर्स आर नीडेड फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट या कौन सी रिसोर्स जो ख़त्म हो रही हैं या फिर जो इकॉनमी के डेवलपमेंट को हेंडर कर रही हैं मार्च 2013 में प्लानिंग कमीशन ने एक लॉन्च किया था मैसिव सोशल मीडिया कैंपेन फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान इससे सीरीज हुई इट वाज़ फॉलोड बाय सीरीज ऑफ गूगल प्लस हैंगआउट्स एंड एंड अ प्लान हैकथन इसका मतलब यह है कि एक सीरीज़ हुई थी जिसमें इन्होंने थ्रू गूगल प्लस से ये अवेयरनेस uh, पहुंचाई थी लोगों तक अबाउट द ट्वेल्थ फ़ाइव ईयर प्लान एंड किस चीज़ पे इन लोगों ने फोकस किया है ट्वेल्थ फ़ाइव ईयर प्लान में ट्वेल्थ फ़ाइव ईयर प्लान ने बेसिकली फोकस किया था ऑन क्रिएटिंग 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नॉन फार्म सेक्टर्स में उन्होंने जेंडर एंड सोशल गैप को हटाने के लिए कहा था इन स्कूल इनमेंट उन्होंने हायर एजुकेशन पे फोकस करने को कहा था उन्होंने मेल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन जो मेल न्यूट्रिशन हो जाते हैं बच्चे अमंग अमंग द एज ग्रुप ऑफ जीरो टू थ्री इयर्स उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कहा था इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा था फॉर ऑल द वलेजेस और ग्रीन कवर इसका मतलब यह है कि एक हेक्टर एक मिलियन हेक्टर को एवरी ईयर प्लांटेशन होगी वहाँ पर इसके लिए उन्होंने फोकस किया था और बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए टू नाइन्टी परसेंट ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ इंडिया ये इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान के फिर मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं एक होता है इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग एंड स्पेंडिंग और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं जीडीपी, जीएनपी, बर्थ एंड डेथ रेट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन्फेंट मोटैलिटी रेट लिट्रेसी रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब हम हर एक जो यहाँ मैंने इंडिकेटर्स मेंशन किए हैं इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग स्पेंडिंग जी डी पी जी तो हो चुका है बाकी जितने भी हैं अब उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे